ओके बच्चे, 1 सेकेंड, मुझे इसकी सेटिंग्स चेंज कर लेने दें। ये लॉबी वाला पता नहीं क्यों सिस्टम हो गया। ऑप्शंस ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हो? फिट सर। अच्छा, जो लास्ट हमने पढ़ा था उसमें कोई इशू है तो मुझे बता दें। और ये सिर्फ कुछ लोगों ने जो है वो जो काम दिया था वो किया है, बाकी लोगों ने नहीं उसको सबमिट करवाया, उसकी क्या रीजन है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं ऑलमोस्ट वीक हो गया है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैं जैसे ही डिस्चार्ज होंगी तो घर जाके आपको सेंड कर दूंगी सारा काम। ये कौन है, क्या हुआ आपको बच्चे? सर मुझे ना फीवर है काफी अरसे से, तो अब एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। क्या नाम है बच्चे आपका? मिनाहिल 1301 रोल नंबर। अच्छा ठीक है बच्चे, गेट वेल सून। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया वो काम वो अपना करते हैं। अच्छा, हम लोग काइंडली अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ कर लें। हमने लास्ट टाइम जो बात की थी उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमने कहा था कि सबसे जो बेसिक चीज है डेट इज लूप, जो नेटिंग के अंदर बनती है, जिसके अंदर हमने कहा था इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हेड होता है, 2 लेग्स होती हैं और 2 फीट होते हैं इसके, ठीक है। यही लूप इस तरह की दूसरी लूप्स के साथ कंबाइन होती हैं, इंटरलूप करती हैं, और फैब्रिक का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बन जाता है। देन हमने कहा था कि हमारे पास ओपन लूप बनती है अगर लेग्स जो हैं वो दोनों फीट इसके ओपन हो, तो इसे हम ओपन लूप कहते हैं। और अगर फीट क्रॉस किए हों एक दूसरे से, जैसे कि हमारे पास यहाँ नीचे है तो पेन, जैसे यहाँ पे है फीट क्रॉस किए हों, तो इसको हम क्लोज लूप कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था कि हमारे पास 2 तरह की लूप्स होती हैं, एक को हम फेस लूप कहते हैं और एक को हम बैक लूप कहते हैं। अगर न्यू लूप जो है वो ओल्ड लूप के बैक से फेस की तरफ आ रही हो तो डेट इज द फेस लूप, और अगर हमारी न्यू लूप जो है वो ओल्ड लूप के फेस से बैक की तरफ जा रही हो तो डेट इज द बैक लूप। यही आप लोगों की असाइनमेंट थी कि आप लोगों ने इसको करके देखना है कि ये लूप्स कैसे बनती हैं, इंटर लूप कैसे होती हैं, फेस से कैसे आती हैं और बैक से फेस पे कैसे जाती हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा और आप लोगों को इसकी समझ लग गई होगी। और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स, खुद से लूप्स नहीं बनाई और उनको इंटर लूप नहीं किया, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इसको कर ले ताकि उसको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमने बात की थी कोर्सेज की, एमबेल्स की। कोर्सेज हमने कहा था दे आर समवट सिमिलर टू द वेब यार्न्स इन द वोवन फैब्रिक, एंड बेल्स आर सिमिलर टू द वार्प यार्न्स इन द वोवन फैब्रिक। सो एक जो कोर्स होती है वो सिंगल यार्न से बनती है, ये याद रखिएगा। सिंगल कोर्स इज इक्वल टू सिंगल यार्न। जितने हमारे पास नंबर ऑफ यार्न्स पीछे लगे होते हैं उतनी हमारे पास कोर्सेज आ रही होती हैं, ठीक है। वो और तो आ एक गए उन्हें, मैं क्या हुआ बच्चे? तुम्हें एक गल कही है कि भाई तू नहीं जाना मैडम में, चाहे तू कवे भी ना तू नहीं जा। इधर भी गल आ गया थे लेकिन ये कि कहीं ना कहीं करो काइंडली माइक को कर लें अपना। लाइबा माइक ऑफ करो।
अच्छा ठीक है। हम कहाँ पे थे? हमने ये बात की थी सिंगल कि जी से जो कोर्सेज हैं वो सिंगल सिंगल जांच के कोर्स इज बारे। इक्वल टू सिंगल। हां फॉर एग्जांपल इस अगर पिक्चर में देखें तो यहाँ सबसे नीचे वाली जो कोर्स है ये जो रेड यहाँ से आ रही है और ये सारी एक सिंगल कोर्स है। यहाँ पे इसको ग्रीन सिर्फ इसलिए ये शो किया हुआ है कि इसको हम शो कर रहे हैं कि डेट इज अ सिंगल वेल। ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, ग्रीन कलर की वेल के अंदर अगर आप देखें तो मल्टीपल लूप्स होती हैं, मल्टीपल यार्न्स होते हैं और उनकी मल्टीपल लूप्स होती हैं, ठीक है। लेकिन कोर्स के अंदर एक ही यार्न की मल्टीपल लूप्स हैं, उसके अंदर यार्न डिफरेंट होते हैं और जो लूप्स हैं कोर्सेज के अंदर वो एक ही यार्न की होती हैं और वो हॉरिजॉन्टल हैं, वो हमारे पास वर्टिकल हैं, ठीक है। एंड इसको हमने अगेन कहा था कि फैब्रिक की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वोवन फैब्रिक के अंदर वो डिपेंड करती हैं कि एंड्स पर इंच कितने हैं, पिक्स पर इंच कितनी है, यार्न का काउंट क्या है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जो वोवन फैब्रिक है उसके अंदर वीव डिज़ाइन क्या है। हमारे पास नेटिव फैब्रिक के अंदर भी ये ऐसे ही डिपेंड करता है कि कोर्सेज पर इंच कितनी है, वेल्स पर इंच कितनी है। यहाँ से हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, 1 इंच बाय 1 इंच का एरिया सेम रहता है, लेकिन अगर हमारे पास कोर्सेज पर इंच बढ़ जाएंगी और वेल्स पर इंच बढ़ जाएंगी तो फैब्रिक जो है वो डेंस हो जाएगा, ठीक है। कीपिंग दी यार्न काउंट सेम, अगर हमने यार्न काउंट सेम रखा हुआ है, अब सेम एरिया के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ वेल्स, ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स आ रही हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई है, जो फैब्रिक है वो कोर्सर बनेगा। और अगर हम यार्न काउंट को सेम रखें और पर इंच कोर्सेज और बेल्ट्स को कम कर लें तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो उसकी कम हो जाएगी, तो फैब्रिक जो है वो लाइट वेट बनेगा, ठीक है। इस बात की समझ लगी है? कोई नहीं लगी तो मुझे बता दें। रिपीट कर दें, बोलो बच्चे सर, रिपीट जिस कर दें। जिस तरह हमारे पास वोवन फैब्रिक के अंदर हमने कहा था एंड्स पर इंच होते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी लेते हैं कि जैसे हमारे पास लॉन का फैब्रिक है और हमारे पास डेनम है, डेनम जो है वो थोड़ी सी कोर्सर होती है, लॉन जो है वो हमारे पास लाइट वेट में होती है, ठीक है। डेनम के अंदर हमारे पास क्या होता है, दोनों का यार्न काउंट डिफरेंट है, लेकिन अगर हम दोनों का यार्न काउंट सेम कर लें तो एंड्स पर इंच जितने ज्यादा होते जाएंगे, पिक्स पर इंच जितनी ज्यादा होती जाएंगी, उतना फैब्रिक का वेट ज्यादा होता जाएगा। सेम इज द केस विद निटेड फैब्रिक, अगर हमारे पास कोर्सेज पर इंच और वेल्स पर इंच ज्यादा होती जाएंगी, अगर हमने यार्न काउंट सेम रखा हुआ है तो हमारे पास जो है फैब्रिक का वेट बढ़ता जाएगा, और अगर हम इस कोर्सेज पर इंच और वेल्स पर इंच को कम करते जाएंगे तो फैब्रिक का वेट जो है वो कम होता जाएगा, फैब्रिक लाइट वेट बनेगा, ठीक है। सर रिपीट कर दे, नहीं सर समझ लगी, सॉरी। बेटा रिपीट किया मैंने, क्या नहीं समझ लगी बताएं मुझे। सर ये पिक्स वाला पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे। बच्चे इसमें ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि हमारा फैब्रिक का वेट करना है ना, वेट करते हैं तो हम कहते हैं जितना ज्यादा मटेरियल होगा किसी चीज के अंदर, 1 बाय 1 इंच एक हमने एरिया फिक्स कर लिया हुआ। अब इस 1 बाय 1 इंच के अंदर हम जितना भी धागे ज्यादा रखते जाएंगे तो उनका वेट बढ़ता जाएगा। ये बात सिंपल है, ये समझ लगी? यस सर। यस सर। जितने ज्यादा देखो एक यान का अगर वेट फॉर एग्जाम्पल नंबर्स के साथ उसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर एक यान का वेट फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 1 ग्राम है 1 इंच के अंदर, ठीक है। अगर मैं उस तरह के 10 धागे रख दूं तो कितना वेट बन जाएगा? तो सर करना सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बच्चे हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आप लेट आए हैं तो अब आप आपके कैसे हैं सर? सर नहीं सर, टाइम अभी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई। खामोश हो जाओ। हेलो, ओके सर। ओके वन सेकंड, मैं ये वाइट बोर्ड ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये हो जाए तो। चलें बताएं, आप लोग बताएंगे, 1 इंच के अंदर अगर हमारे पास एक यान का वेट जो है वो 1 ग्राम है और उस तरह के हम 10 यान रख दें तो कितना वेट हो जाएगा उनका?
ग्राम पर इंच, 10 ग्राम पर इंच, 10 ग्राम्स पर इंच, 10 ग्राम्स पर इंच हो जाएगा। और अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये 100 ग्राम्स पर इंच हो जाएगा। यही हम बात कर रहे हैं कि हम सर, तो मतलब 100 ग्राम्स वाला जो फैब्रिक होगा वो ज्यादा कोर्स होगा और जो इसमें सॉफ्ट और लूज होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास 1x1 इंच का ये एरिया है और इसके अंदर मैंने 10 यार्ड्स रख दी है और एक का वेट जो है वो 1 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये लाइटर वेट में होगा। और अगर मैं एक के अंदर 100 रख देता हूँ तो ये कीपिंग द यार्न काउंट सेम, यार्न काउंट इज द वेट के 1 ग्राम जो है वो दोनों में कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब ये 100 ग्राम हो जाएगा। तो अब ये कोर्सर फैब्रिक है हमारे पास, ये लाइट वेट में है, 10 वाला जो है वो दैट इज इन द लाइट वेट, और जो ये है ये हमारे पास कोर्सर फैब्रिक है, इसका वेट ज्यादा है। सो सेम इज द केस विद निटेड फैब्रिक्स। जब हम ये बात करते हैं कि कोर्सेस पर इंच हम ज्यादा कर रहे हैं और वेव्स पर इंच हम ज्यादा कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसी सेम एरिया के अंदर हम ज्यादा नंबर ऑफ यार्न्स जो है उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका फैब्रिक का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो टेक्निकल फेस एंड टेक्निकल बैक। जिस साइड पे बच्चे फेस लूप्स होती हैं डेट इज कॉल्ड द टेक्निकल फेस ऑफ द फैब्रिक, और फेस लूप की बैक के ऊपर हमेशा बैक लूप नजर आती है। इसी तरह बैक लूप की बैक के ऊपर हमेशा फेस लूप नजर आती है, ठीक है। ये जहाँ पे फेस लूप होगी तो उसको उल्टी तरफ से देखेंगे, फैब्रिक को उल्टा करेंगे तो उसके ऊपर हमें बैक लूप नजर आ रही होगी, और अगर बैक लूप फेस के ऊपर बनी हुई है तो उल्टी साइड से हमारे पास वहां पे फेस लूप बनेगी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जो फेस लूप है या बैक लूप है ये दोनों फेस ऑफ द फैब्रिक पे बन सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि फेस लूप ने ही फेस पे बनना और बैक लूप ने ही बैक पे बनना, बैक लूप फेस ऑफ द फैब्रिक पे भी बन सकती है। और फेस ऑफ द फैब्रिक वो होता है जो मशीन की ऊपर वाली साइड पे हो, जिसको हम देख रहे होते हैं, जो हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। लूम के ऊपर आपने देखा है ना फैब्रिक बनता है, तो जिस साइड जो साइड ऊपर होती है डेट इज द फेस ऑफ द फैब्रिक, जो उसके नीचे वाली साइड होती है डेट इज द बैक ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। सो सेम नेटेड फैब्रिक्स के अंदर भी ऐसे होता है, जो साइड ऊपर होती है वो फेस होता है, लेकिन उस फेस के ऊपर फेस लूप भी बन सकती है और उस फेस के ऊपर बैक लूप भी बन सकती है, और ये दोनों इकट्ठी भी बन जाती हैं फेस के ऊपर। एक वेल जो होती है वो फेस लूप की होती है और एक वेल जो होती है वो बैक लूप की होती है, ठीक है। ये पॉसिबल है। सो ये नहीं, इसको समझना कि बैक लूप जो है वो हमेशा बैक ऑफ द फैब्रिक पे ही बनेगी और फेस लूप हमेशा फेस ऑफ द फैब्रिक पे बनेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दो तरह की लूप्स हैं, दो तरह की शेप्स हैं, जो दोनों जो है फेस ऑफ द लूप फैब्रिक के ऊपर जो है वो बन सकती है, ठीक है। डिजाइनिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं, इनको हम इकट्ठा मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, और इनको सारी फेस, सारी की सारी फेस लूप भी बना सकते हैं फेस के ऊपर, और सारी की सारी बैक लूप्स भी बना सकते हैं फेस के, फैब्रिक के फेस के ऊपर, ठीक है। सो स्वेटर के ऊपर भी होता है ना, सारे ऊपर स्वेटर के ऊपर एक अलग तरीके की नीटिंग हुई होती है और लास्ट पे जो उसकी एज होती है उसके अलग होती है। आपके आपके हाँ, हमारे पास एजेस होते हैं स्लीव्स के, आपके बॉटम के, वहां पे हम इन दोनों को मिक्स में चलाते हैं, फेस लूप और बैक लूप को, ठीक है। उस डिजाइन को एक स्पेशल नाम है जिसे हम रिब फैब्रिक कहते हैं। ये रिब चलती है, ये स्टेबिलिटी दे देती है फैब्रिक को, ठीक है। ये जो आपके स्लीव्स के आखिर वाले हिस्से होते हैं और इसी तरह आपके स्वेटर के बॉटम वाले हिस्से हैं, वहां पे ये दोनों मिक्स में चली होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ फेस लूप नजर आ रही होती है। अगर आप उस फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे तो दरमियान में आपको बैक लूप भी नजर आएगी, ठीक है। यस सर। अच्छा मैंने सर क्वेश्चन जी, सॉरी सर, हमारा जो फेस होता है हम उसी को बोलते हैं ना जिसमें वी शेप आ रही होती है, लेकिन अगर हम वी शेप की जगह अगर हम उस पे यू शेप्स बनाएंगे तो फेस कैसे रहेगा बच्चे? वो तो बैक बन नहीं, फेस ऑफ द फैब्रिक और बैक ऑफ द फैब्रिक दो अलग चीजें हैं, फेस लूप और बैक लूप दो अलग चीजें हैं। फेस ऑफ द फैब्रिक पे फेस लूप और बैक लूप दोनों बन सकती हैं, फेस लूप फेस ऑफ द फैब्रिक पे बैक लूप भी बन सकती है, ठीक है। नॉर्मली वी कंसीडर के बैक लूप जो है वो बैक ऑफ द फैब्रिक पे ही बनती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आपने बैक लूप फेस पे बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। ये जो फेस और बैक लूप है ना, ये जस्ट है कि हमने लूप जो न्यू लूप है उसको ओल्ड लूप के फेस में से पास किया है या बैक में से पास किया, हमने उसकी इंटरलूपिंग कैसे करवाई है, उससे उसकी शेप या लुक आ जाती है।
जी बताइए सर, मैं क्वेश्चन इज के जो फेस ऑफ द फैब्रिक है वो पता कैसे चलेगा कि ये फेस ऑफ द फैब्रिक है, अगर हमारे पास यहाँ पे बैक और जो यू शेप और वी शेप है वो दोनों फॉर्म हो सकती हैं फेस बैक के ऊपर, तो हमें एक्चुअली ये कैसे पता चलेगा कि फेस ऑफ द फैब्रिक कौन सा है? फेस ऑफ द फैब्रिक बच्चे जो निटेड फैब्रिक्स हैं, अच्छा इसके अंदर आगे चल के डिजाइनिंग है, ठीक है, जैसे वोवन फैब्रिक के अंदर होता था, जैसे वोवन फैब्रिक का हम फेस आइडेंटिफाई कर लेते थे, अगर हमारे पास सेल्विच नहीं है, दरमियान में से कोई पीस हमने कट किया हुआ तो उसके ऊपर हमें कैसे पता चलता था, वो तो दोनों तरफ से एक जैसा नजर आता है, लेकिन डिजाइन की हमने कहा था कुछ चीजें हैं जो आइडेंटिफाई कर देती हैं, एक तो फेस के ऊपर जो आपका डिजाइन होता है, जो वोवन डिजाइन हो या निटेड डिजाइन हो, वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, वो ज्यादा विजिबिलिटी उसकी, जैसे डेनम है फॉर एग्जाम्पल, तो डेनम में ट्विल लाइंस नजर आती हैं, आप फेस से देखोगे तो ट्विल लाइंस ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, बैक पे भी ट्विल लाइंस नजर आ रही होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। इसी तरह निटेड फैब्रिक्स के अंदर भी जब आप आएंगे कैंपस में, आपको फैब्रिक्स दिखाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो डिजाइन होता है वो फेस पे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। इसी तरह जो फेस के ऊपर लस्टर है वो भी ज्यादा होता है, फेस के कुछ आइडेंटिफाई करने की कुछ चीजें हैं जहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये फेस ऑफ द फैब्रिक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी। इसके अलावा जी सर, जिस तरह आपने हमें बताया कि हम लोग उसके फेस ऑफ द फैब्रिक पे हम लोग टेक्निकल बैग भी बना सकते हैं और टेक्निकल फेस भी बना सकते हैं, सर अगर इसके फेस पे हम लोगों ने टेक्निकल बैग बनाई है तो उसकी बैक साइड पे हमें टेक्निकल फेस नजर आएगा? जी बिल्कुल ऐसे, फेस लूप की बैक पे हमेशा बैक लूप नजर आती है और बैक लूप की बैक पे हमेशा फेस लूप नजर आती है, ये एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है। ओके सर, बट इन नॉर्मली जैसे आपकी टी शर्ट्स होती हैं तो वहाँ फेस के ऊपर वी नजर आ रहे होते हैं, या जो स्वेटर्स होते हैं तो वी नजर आ रहे होते हैं, एक अनआइडेंटिफाइड सा वो अनसेट रूल बन गया हुआ है कि जहाँ पे वी होते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि यही फेस है, जहाँ पे यू या उल्टा यूज बने होते हैं तो हम कहते हैं इन्वर्टेड यूज बने होते हैं तो हम कहते हैं ये बैक है, ठीक है। बट सर मतलब हम उन दोनों अगर एज अ डिजाइनर, एज अ डिजाइनर अगर आप ये चाहते हैं कि बैक लूप फेस के ऊपर नजर आए तो आप बना सकते हैं, आपको कोई मना करने वाला नहीं है, आप कह दें कि यही मेरे फेस फैब्रिक का फेस है, ठीक है जी सर। समझ लगी बात की? वो आपकी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये दो ऑप्शंस हैं डिजाइन करने के लिए, फैब्रिक की लुक चेंज करने के लिए, वो आपकी मर्जी, आप उसको जो मर्जी कर लें। समझ लगी बात की? सर मतलब हम ये दोनों बना लेंगे, हम किसी को भी एज अ फेस यूज कर सकते हैं? नहीं, वो फिर वही वाली बात होगी जैसे हम कहते थे फॉर एग्जाम्पल ट्विल, याद है आपको, अगर मैं ट्विल बनाऊं या प्लेन वी बनाऊं तो जो लूम के ऊपर मैंने फेस बनाया वही फेस होगा। समझ लगी? जी सर। जो लूम के ऊपर मुझे ऊपर वाली साइड फेस ऑफ द फैब्रिक है, जो नीचे वाली साइड है हालांकि होती वहां पे भी प्लेन है, लेकिन हम नीचे वाली साइड के ऊपर ना ही प्रिंटिंग करते हैं ना ही कपड़े को नीचे वाली साइड से पहनते हैं, हम उसकी वही साइड फेस रखते हैं जो हमने लूम के ऊपर कहा था कि ये फेस है। समझ लगी? जो टॉप पे रहती है। बच्चे जब हम मशीन पे बनाते हैं ना तो बनाने से ये ऐसे, कभी आपने दीवार बनती हुई देखी है, ईंटें रख के दीवार बनती हुई देखी है? जी सर। कंस्ट्रक्शन होते हुए जिस साइड पे वो मेसन खड़ा होके ईंटें लगा रहा होता है ना, वो साइड बड़ी प्लेन होती है, दूसरे वाली साइड जो है ना वो रफ होती है, ये देखा है कभी? Yes, sir. जिस साइड पे वो खड़ा होके ईंटें लगा रहा होता है ना, वो वाली साइड बिल्कुल स्मूथ होगी इन कंपैरिजन टू द अदर साइड। यही हाल फैब्रिक के साथ है, जो वाली साइड हम ऊपर रख के जी बचे, दोबारा रिपीट कीजिएगा, सॉरी तो मैं कह रही थी ईंटें कहां फैब्रिक कहां, इनका क्या कंपैरिजन है? नहीं बच्चे, दोनों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न सेम है, वो उसके अंदर भी हम रिपीटिंग यूनिट्स को बार बार इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी वही काम कर रहे हैं। जो साइड आपकी ऊपर होगी, जिसको आपने मशीन के ऊपर बनाते हुए कहा है कि ये फेस है, वही फेस होगा, उसमें और दूसरी साइड की अपीयरेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन वीव की फैब्रिक की आपको बात बता रहा हूँ कि वो दोनों साइडों से एक जैसा नजर आता है, बट जब हम प्रिंटिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल तो, या बाद में उसका गारमेंट उसको स्टिच करते हैं, तो हम उसकी वही साइड फेस लेते हैं जो लूम के ऊपर बनाते हुए टॉप पे थी,
ऐसा नहीं करते कि जो बॉटम साइड आप उसको आगे जाके कंसीडर कर लें कि ये टॉप हो गया या ये फेस हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. दोनों की अपीयरेंस में डिफरेंस होता है। फेस साइड ज्यादा स्मूथ होती है, उसमें ज्यादा लस्टर होता है, ज्यादा शाइन होती है वो दूसरी साइड से इन कंपैरिजन, ठीक है? और नीटनेस भी से ज्यादा होती है ना? जी हाँ जी, नीटनेस भी ज्यादा होती है, यही बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है? सो निटेड फैब्रिक का भी ऐसा होगा कि मशीन के ऊपर जिस साइड से आपने निट किया है आउटर साइड पे कि ये फेस मेरा है, तो वो चाहे फेस लूप रखिए या बैक लूप रखिए वही फेस होगा, उसकी अपीयरेंस में बैक साइड से की अपीयरेंस से डिफरेंस होगा, ठीक है? ओके सर। अच्छा अब यहाँ पे एक बात आप लोगों से पूछी थी कि ये यू और वी क्यों नजर आते हैं, अगर आप लोगों को समझ लग गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जब हम इनको निट कर लेते हैं और इंटरलूपिंग हो जाती है तो अब ये कुछ इस तरह की अपीयरेंस आती है, ये लूप्स बहुत क्लोज क्लोज हो जाती हैं, जो आप लोगों ने अपने थ्रेड्स और यार्न्स यूज करते हुए लूप किया वो लूप बहुत बड़े थे, ठीक है? इन एक्चुअल फैब्रिक इतने बड़े बड़े लूप नहीं होते, अगर अपनी टी शर्ट्स को या स्वेटर्स जर्सीज को देखेंगे तो लूप बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है? इन मिलीमीटर्स हम लूप की जो लेंथ है वो मेजर करते हैं, तो जब ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं तो ये हमें यहाँ पे सिर्फ ये चीजें नजर आती हैं, लेग्स, ओनली हमें लेग्स नजर आती हैं, ठीक है? और बाकी जो चीज है वो हिडन हो जाती है, तो ये लेग्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं और ये वी शेप जो है वो क्रिएट कर देती हैं, बाकी सारी चीजें जो हैं वो हिडन हो जाती हैं, ठीक है? इसी तरह बैक साइड के ऊपर अब हेड नजर आ रहा होता है और फीट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है? हेड और फीट की वजह से यू और इन्वर्टेड यूज नजर आते हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो हाइड हो जाती हैं, ये बेसिक रीजन है उसकी के वो यू क्यों नजर आते हैं और वहां पे वी क्यों नजर आते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब ये वो वाली बात जो आप कह रहे थे टेक्निकल अपराइट, ये एक टर्म है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपने मशीन के ऊपर, निटिंग मशीन के ऊपर फैब्रिक को निट करना स्टार्ट किया तो फैब्रिक की ऐसी डायरेक्शन हो कि सबसे नीचे वाली कोर्स सबसे नीचे हो, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, इसी तरह पहली वेल जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे हो और आखिरी वेल जो है वो आपकी राइट साइड पे हो, ठीक है? सो ये जो सिचुएशन होगी इसको हम कहेंगे कि ये फैब्रिक, अगर इस शेप में आपके पास ऑफ मशीन भी पड़ा होगा तो हम कहेंगे ये टेक्निकल अपराइट स्टेट में है। समझ लगी इस बात की? ये हमने पहली कोर्स लगाई, ये हमने दूसरी कोर्स लगाई, इसके ऊपर तीसरी कोर्स लगाई और वेल्स जो है वो हमारी ये 1, 2 और ये 3 ऐसे बनती जा रही थी। अब हमने इसको मशीन से उतार लिया, ठीक है? इसी हालत में अगर हम इसको रखेंगे तो डेट इज टेक्निकल अपराइट स्टेट ऑफ द फैब्रिक, ठीक है? अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ या एट 190 डिग्री जो है वो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो फिर ये टेक्निकल अपराइट में नहीं है, क्योंकि ये वाली जो है कोर्स ये सबसे नीचे चली जाएगी और ये वाली सबसे ऊपर चली जाएगी। हमने फैब्रिक को ऐसे नीट नहीं किया, हमने फैब्रिक को नीट किया है कि ये ब्लैक वाला धागा सबसे नीचे था, फिर ग्रे उसके ऊपर था, फिर ब्लैक उससे ऊपर था और फिर ग्रे उससे ऊपर था, ठीक है? तो सिंपल सी ऊपर होंगे तो वो टेक्निकल अपराइट होगा? नहीं, जो सबसे नीचे जो पहली कोर्स लगाई है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, जो सबसे लास्ट कोर्स लगाई है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। समझ लगी? ये एक ही कंडीशन में होगा कि फैब्रिक जो है वो अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन है जिसके ऊपर हमने लूम मशीन के ऊपर इसको निट किया उसी कंडीशन के ऊपर ये हमारे पास पड़ा हो। अदरवाइज अगर मैं इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये फैब्रिक की ऐसे लूम के मशीन के ऊपर ये निट हुआ है, ठीक है? ये इसकी डाउन साइड है और ये इसकी अप साइड है। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये, या इसको मैं इस कंडीशन में मूव कर देता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ये टेक्निकल अपराइट नहीं है। अगर मैं इसको अगेन 90 डिग्री पर रोटेट कर देता हूं तो ये भी टेक्निकल अपराइट नहीं है। अगर मैं इसको अगेन इस 90 डिग्री पर रोटेट करूं तो ये भी इसका टेक्निकल अपराइट नहीं है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में टेक्निकल अपराइट होगा, जब यहां पे सबसे नीचे वाली कोर्स होगी, यहां पे सबसे ऊपर लास्ट वाली कोर्स होगी, ठीक है? फर्स्ट कोर्स को यहाँ होना चाहिए, लास्ट कोर्स को यहाँ होना चाहिए। जिस तरह आपने वीवी में बताया था कि हमारा जो फेस पोजीशन होती है वो होती है जिसमें वाव पहले आता हो,
अगर वाप पहले नहीं आ रहा, वेफ्ट पहले आ रहा है, तो वो उसका अपोजिशन नहीं होगी, उसकी फेस नहीं होगा उसका, ये वही चीज है तकरीबन। I don't know कि आप क्या बता रही हैं, वो वार्प और वेफ्ट तो वार्प वर्टिकल होता है, वेफ्ट हॉरिजॉन्टल होता है, वो एक दूसरे से पहले कैसे आ सकते हैं? सर नहीं नहीं जिस तरह आपने हमें वो हमारे A4 शीट्स पे हमने वो बनाए थे ना कुछ डिजाइन, तो आपने कहा था जो ऊपर वाला होगा उसमें सबसे पहले राइट लेफ्ट साइड से वार्प स्टार्ट होगा, अगर वहां पे जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही। वो जब हम बात करते थे 2/3 की, तो हम कहते थे 2 अप पहले होंगे और 3 डाउन बाद में होंगे जी, ठीक है। तो ये भी वही वाली बात है कि जो हमने कोर्स सबसे पहले लगाई है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, और जो कोर्स सबसे लास्ट में लगाई है वो सबसे ऊपर हो, और फैब्रिक को इस तरह पकड़े कि वो लास्ट वाली कोर्स हमारे हाथ में और जो फर्स्ट वाली कोर्स है वो नीचे हैंग कर रही हो, तो डेट विल बी द टेक्निकल अपराइट स्टेट ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। ओके सर, लेकिन सर इसको आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब प्रॉपर मेथड है? ये तो हमें पता है ना, हमने टूटर्स को नेट किया है, तो आगे जब वो फैक्ट्रीज में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, उन्हें कैसे पता चलेगा ये इसका टेक्निकल अपराइट है, क्योंकि वो तो हमें पता है जी बच्चे। वो उसी तरह पता चलेगा जैसे हमने लास्ट हमने एक लैब की थी वोवन फैब्रिक की, जिसमें जिसे हमने कहा था एनालिसिस ऑफ द फैब्रिक। उसके अंदर पहला काम यही होता था कि आइडेंटिफाई द फेस ऑफ द फैब्रिक, आइडेंटिफाई द बैक ऑफ द फैब्रिक, आइडेंटिफाई द वार्प डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द वेफ्ट डायरेक्शन। सो निटेड फैब्रिक के अंदर भी सेम वही चीजें हैं, आइडेंटिफाई द फेस ऑफ द फैब्रिक, आइडेंटिफाई द बैक ऑफ द फैब्रिक, आइडेंटिफाई द वेस्ट डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वो सेम चलेगा, वो जब वहां पे पहुंचेंगे तो फिर जैसे उसकी कुछ हमारे पास कंडीशंस थी कि ये अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये फेस होगा और ऐसा ऐसा होगा तो ये बैक होगा, तो नेटेड फैब्रिक्स की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होगी, ठीक है, वो लास्ट में आएगा। नहीं, दूसरा एक ये मसला, और दूसरा मसला ये है कि जो कोर्स सबसे पहले लूप की है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, और जो कोर्स सबसे लास्ट में की है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, ये दो कंडीशन है, ठीक है सर। यानी जिस तरह कपड़ा बना है वो उसी तरह रहे? जी, जिस तरह नेट मशीन के ऊपर बना है उसी तरह वो, अगर हमने उसको उसी डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है तो दैट इज द टेक्निकल अपराइट ऑफ द फैब्रिक। अगर उस डायरेक्शन में नहीं पकड़ा फिर उसको क्या? तो फिर वो टेक्निकल अपराइट नहीं है, फिर आपको टेक्निकल, ये टेक्निकल अपराइट पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हमने बाद में गारमेंट को स्टिच करना है, उससे कुछ भी बनाना है, तो वो टेक्निकल अपराइट डायरेक्शन में, उसको कटिंग भी उसकी उस डायरेक्शन में करनी है और उसको स्टिच भी उसी डायरेक्शन में करना है। कभी टेलर ने देखा है कि आपने कपड़े लिए और उसने उल्टी साइड से सी दिया? तो उसकी प्रॉपर्टीज वेरी कर जाएंगी वो, ये वैसे इसको आसान अल्फाज में समझना है तो सिंपल सी बात है कि आप टेलर को कपड़े दें सीने के लिए, और वो उसको स्पेशली अगर मेल सूटिंग्स हैं तो वो उसको फेस की बजाय बैक साइड से सी के दे दे आपको वापस कर दे, ठीक है। तो इसके साथ भी वही होगा, जो आप इसको अगर टेक्निकल अपराइट में इसको नहीं कट करेंगे, इसको टेक्निकल अपराइट डायरेक्शन में इसको नहीं स्टिच करेंगे, तो इस फैब्रिक के साथ भी वही कुछ होगा, ठीक है सर। जिस तरह कुछ कपड़े होते हैं हम लोग उनको काटते हैं तो वो टेढ़े कट रहे होते हैं, जी बिल्कुल, ये वही वाला हिसाब है इसका भी? नहीं, ये वही वाला हिसाब नहीं है, वो वाला हिसाब है वो फैब्रिक के अंदर फॉल्ट होता है, ठीक है, लेकिन इस उस फॉल्ट से बचने के लिए हम कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में इसको निट किया उसी डायरेक्शन में आप इससे गारमेंट बनाएं। अब दूसरी डायरेक्शन में बनाएंगे तो फिर उस तरह के फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टिच लेंथ। स्टिच लेंथ बड़ी सिंपल है, ये अगर आपने लूप बना ली है एक, ठीक है, तो इसको 1 फीट से मेजर करना स्टार्ट करें इसके दूसरे फीट तक, जितनी लेंथ होगी डेट इज कॉल्ड स्टिच लेंथ। किसी भी फैब्रिक के अंदर उसकी एक लूप की लेंथ मेजर कर लें तो डेट इज कॉल्ड स्टिच लेंथ, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फीट टू दी अदर फीट, ठीक है, अलोंग दी इट्स लेग्स एंड हेड एंड देन अदर लेग एंड देन अदर फीट, ठीक है। इसको ये इतनी छोटी होती है, इसको नॉर्मली मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है, मिलीमीटर लेंथ का यूनिट है, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के बाद इंच और फिर फीट, ठीक है, फिर मीटर और किलोमीटर। सो ये मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है, तो इसको मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं
और यहाँ से अगर देखें तो लूप लेंथ जो होती है यही फैब्रिक की सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रही है। लूप कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी यहाँ से हमें सारी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं कि फैब्रिक लाइट वेट बनेगा, फैब्रिक डेंस बनेगा, फैब्रिक बिहेव कैसा करेगा, वो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और स्टिच लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फीट टू द अदर फीट मिलीमीटर्स में आप इसको मेजर कर लें तो वो हमारे पास स्टिच लेंथ आ जाती है। ठीक है, कोई मसला है इसमें? सर हम लूप की लेंथ भी वेरी कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं बच्चे, जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं ऐसा। डिजाइनिंग के लिए लूप की लेंथ वेरी करते हैं, ये एक फैब्रिक दूसरे फैब्रिक से इसीलिए डिफरेंट होता है कि उसके अंदर या यार्न डिफरेंट होगा या यार्न का मटेरियल डिफरेंट होगा या यार्न काउंट डिफरेंट होगा या फिर लूप की लेंथ डिफरेंट होगी या फिर उसके अंदर निटिंग का जो डिजाइन है नेट डिजाइन वो डिफरेंट होगा, इन्हीं चीजों। जी सर, जो लूप का साइज है या जो उसकी लेंथ है वो भी तो यार्न से यार्न ये डिफरेंट होने की वजह से वेरी करेगी? जी, उसके ऊपर भी वेरी करेगी और जो हम नेट डिजाइन इसके अंदर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी वेरी करेगी। सर अगर यार्न मोटा होगा तो लूप बड़ी बनेगी, अगर यार्न बारीक होगा तो लूप छोटी बनेगी? जरूरी नहीं है, लूप लेंथ हम खुद फिक्स करते हैं कि हमने कितनी रखनी है फैब्रिक के अंदर। नहीं सर, एक लूप का साइज की मैं बात कर रहा हूं, लूप लेंथ एक लूप के साइज की बात, एक लूप का साइज कितना होगा इन मिलीमीटर्स ये हम डिसाइड करते हैं। मशीन के अंदर सेटिंग्स होती है जहां पे हम उसको बताते हैं कि एक लूप का साइज इतना रखना है। अगर आप लोगों ने नीडल्स देखी हो जो लास्ट टाइम की बात हुई थी, बड़े काउंट का धागा होगा उसका लूप का साइज छोटा होगा छोटे काउंट के धागे से? नहीं बच्चे, जरूरी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने वो नीडल्स देखी हैं जो घरों में स्वेटर्स नीट करने के लिए यूज होती हैं, जो आगे से हुक yes, नहीं बनी होती, जो सिंपल नीडल्स होती हैं, उन नीडल्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ नीडल्स कोर्सर साइज में होती हैं, कुछ नीडल्स जो है वो फाइनर होती हैं, ब्रीक होती हैं और कुछ मोटी होती हैं। ठीक है जी, जी जी सर, तो वो जो नीडल्स के नंबर हैं या नीडल्स का थिक होना या फाइन होना है वो लूप लेंथ को डिपेंड कर रहा है, लूप लेंथ जो है उसको एडजस्ट कर रहा है। अगर कोर्सर नीडल यूज करेंगे तो लूप लेंथ ज्यादा वो एंगेज करेगा, अगर फाइनर नीडल यूज करेंगे तो लूप लेंथ वो कम एंगेज करेगा। ठीक है, सो इसी तरह जब हम एक मशीन पे जाते हैं तो वहां पे भी सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो लूप बनानी है उसकी कितनी लेंथ चाहिए हमें। जी आप बताएं सर, मतलब हमने मोस्टली देखा है कि जितने मतलब मोटे जो यार्न होते हैं वूल वगैरह उनकी होती है निटिंग, लेकिन हम दूसरे यार्न जो होते हैं लाइक कॉटन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, उनकी भी करते हैं निटिंग? जी बच्चे, आपने टी-शर्ट्स नहीं देखी कभी जो गर्मियों में पहनते हैं टी-शर्ट्स? यस, वो कॉटन की होती हैं, कॉटन यार्न की होती हैं, मोटे ही होते हैं मतलब जो हम नहीं बच्चे, गर्मियों वाली जो टी-शर्ट्स हैं वो मोटी नहीं होती, वो वूल से आप करेंगे, जो सर्दियों के स्वेटर जर्सीज होती हैं वो वूल से करेंगे तो वूल के अंदर भी यार्न का काउंट है। किस काउंट से बना रहे हैं, अगर फाइनर काउंट से बना रहे हैं तो वो लाइट वेट ही बनेगी, अगर कोर्सर काउंट से बना रहे हैं तो वो थिक बनेगी, डेंस फैब्रिक बनेगा। इसी तरह कॉटन से भी बनते हैं, पॉलिएस्टर से भी बनती है, हर चीज से बनती है, सॉक्स भी तो बनती है, वो कॉटन से बनती है। आपने यहाँ पे बताई थी जी, पूछे जी सलमान। यस सर, आई वाज आस्किंग के जो लूप की लेंथ आपने बताई थी, सॉरी स्टिच की लेंथ जो है वो हम कहां से कहां तक मेजर कर रहे हैं, लेग टू लेग मेजर कर रहे हैं या हम लूप के हेड से जो लेग के एंड तक के वहां तक के? लेग टू लेग नहीं बचे, फीट टू फीट, फीट टू फीट, 1 फीट फिर फर्स्ट लेग आएगी, फिर हेड आएगा, फिर सेकंड लेग आएगी, फिर सेकंड फीट आएगा। ठीक है, और जो 2 फीट के दरमियान का डिस्टेंस है वो स्टिच लेंथ है उसकी। हाँ, इसको ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है अगर मैं इसको स्ट्रेट कर लूंगा धागे को तो ये जितनी लेंथ लेगा डेट इज द स्टिच लेंथ। अभी तो ये लूप शेप में है ना, दोनों तरफ से पकड़ के खींचूंगा, स्केल के साथ रखूंगा, लेंथ आएगी डेट इज द। अच्छा सर, इसमें एक चीज और, अगर हमारे पास स्टिच की लेंथ ज्यादा है तो
कपड़ा है हमारा वो ज्यादा लाइट वेट बनना चाहिए या ज्यादा एयरी होगा वो? दैट डिपेंड्स अपॉन द यार्न काउंट. देखो एक एक चीज के ऊपर नहीं बता सकता. सलमान क्वेश्चन एक बार पेपर पे लो एक साथ पूछ रहे ना सारे. प्लीज माइक ऑफ कर दो, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है. ले ये मैंने ऑफ कर दी. अब बताएं ये देखें सर, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है अगर वो आप क्लियर करते हैं. जी 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 पूछें. जो हमारी स्टिच लेंथ है वो हम मतलब ऑलरेडी जो लूप बना हुआ है हम उसको मेजर कर रहे हैं नीचे से ऊपर, या हम लूप को स्ट्रेट करके मेजर कर रहे हैं? बच्चे लूप को तो स्ट्रेट ही करोगे ना, धागे को स्ट्रेट करोगे तो फिर ही वो बात वो उसको मेजर कर सकते हो ना. देखो फैब्रिक के अंदर से ये देखो ये मेरे पास लूप बना हुआ. अब मैंने ये कर्व शेप को कैसे मेजर करूंगा? इसका आसान हल है कि इसको यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से कट कर लिया और यहाँ से कट कर लिया ना, कि ये फीट है इसका. उसके बाद इसको स्ट्रेट करूंगा, इसके साथ स्केल रखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये कितने मिलीमीटर्स में. ऐसे मेजर करते हैं फिर हम लोग एक कोर्स को ओपन करेंगे, फिर उसके फीट टू फीट हम लोग मेजर करेंगे ना पूरा, मतलब उसको वो तो एनालिसिस के लिए आपको पता है ना, जैसे हमने वहां पे एंड्स पर इंच गिने थे तो हम धागे बाहर निकालते थे फैब्रिक में से, फिर ही गिने थे ना. यस सर. इसी तरह इसके अंदर भी बचे हमें वो एक लूप आइडेंटिफाई करके कि ये फीट टू फीट एवरेज लेके उसका एक फीट दूसरे फीट से अलग करेंगे और उसके बाद उस धागे को पकड़ के स्केल के साथ रखेंगे तो कहेंगे ये इतनी इसकी स्टिच लेंथ है. सर जी सर मुझे नहीं समझ में आया. क्या नहीं समझ आया? वो कुछ स्टिच लेंथ पूरा ही नहीं समझ में आया बच्चे. ये लूप की समझ लगी है कि ये लूप इस तरह का नजर आता है? ये नजर आ रही है आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन? जी सर. तो ये लूप इस ये लूप है. अगर मैं इसके अंदर जितनी लेंथ इस लूप ने कंज्यूम की, ये लूप डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, ये देखो ठीक है, ये लूप जो है ये बड़ा भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, सही है. तो अब हर लूप की लेंथ डिफरेंट है, ये कितनी लेंथ कंज्यूम कर रहा है धागे की, सही है. सो मैं एक फीट से दूसरे फीट तक इसने जितनी लेंथ कंज्यूम की है उसको मेजर कर रहा हूँ, तो डेट इज द स्टिच लेंथ या लूप लेंथ. सर आपकी स्क्रीन स्टक है. मेरे पास तो नहीं है आपका कुछ. सर मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो रही है, हम लोग वेल साइड पे नहीं करते पर हम लोग कोर साइड पे लेके उसको देख के फिर उसके हम लोग मेजर करते हैं. बच्चे आप वो वेल्स और कोर्सेज में नहीं जाएं, आप सिर्फ इतनी बात समझें कि ये मेरे पास फैब्रिक की इस तरह की लूप्स बनी हुई थी, ठीक है. ये देखें ये लूप्स बन गई, मैंने इसमें से एक लूप जो है उसको कट कर लिया यहाँ से फ्रॉम फीट टू फीट, और मैंने इसमें से अब शो हो रहा है. हम बात ये कर रहे थे कि अगर मेरे पास ये देखो, एक तो मैंने ये बात की थी कि ये लूप का साइज ये भी हो सकता है और लूप का साइज कुछ भी हो सकता है ना, लूप इससे बड़ा भी हो सकता है ठीक है, और लूप इससे छोटा भी हो सकता है ठीक है. सो हम दो फीट के दरमियान जितने भी वो लेंथ कंज्यूम कर रहा है उसको मेजर कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एक फैब्रिक है उसके अंदर इस तरह की लूप्स बनी हुई हैं, तो अब मैंने ये देखना है कि इसकी लूप लेंथ या स्टिच लेंथ कितनी है. इसका आसान हल है कि इसको यहाँ से कट कर लो और यहाँ से कट कर लो, और इस दरमियान वाला जो ग्रीन ये पोर्शन है इसकी लेंथ स्ट्रेट करके मेजर कर लो, जितनी आएगी डेट इज दी स्टिच लेंथ, ठीक है. और कोई सवाल? कन्फ्यूजन सर मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था. मैंने पूछा था कि अगर हमारे पास स्टिच की लेंथ ज्यादा लंबी है या ज्यादा छोटी है तो मतलब उसके अंदर जो साइज होगा होल जो बन रहा है हमारे पास बेसिकली वो ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा छोटा होगा? बच्चे तीन चीजों पे डिपेंड करेगा. सबसे पहले यार्न का मटेरियल, धागा सेम रखा हुआ आपने, आप जो बात कर रहे हैं
वो कॉटन की ही कर रहे हैं, दो फैब्रिक्स को हम कंपेयर करने लगे, दो फैब्रिक्स को अगर कंपेयर करना है तो उन कंपैरिजन के लिए अब सिर्फ वेरी हम कर रहे हैं स्टिच लेंथ, ठीक है, कि एक के अंदर जी सर, एक के अंदर ये वाला लूप बना हुआ है, एक के अंदर ये वाला लूप बना हुआ है। इन दोनों फैब्रिक्स को मैं तब कंपेयर कर सकता हूँ ये जब जो बातें अब कहने लगा हूँ ये सारी कॉन्स्टेंट होंगी, ये दोनों के अंदर कॉमन होंगी। नंबर वन, यार्न मटेरियल दोनों कॉटन से बने होंगे, ठीक है। नंबर टू, दोनों का यार्न काउंट सेम होगा, जिस काउंट का धागा मैंने इस ए के अंदर यूज किया है उसी काउंट का धागा हमने इस बी के अंदर भी यूज किया है, ठीक है। जो मैंने नेट डिजाइन ए के अंदर यूज किया है वही मैंने नेट डिजाइन बी के अंदर यूज किया, ठीक है। जितनी वेल्स पर इंचेस मैंने ए के अंदर रखी हैं उतनी वेल्स पर इंचेस मैंने बी के अंदर रखी हैं, जितनी कोर्सेज पर इंच मैंने ए के अंदर रखी हैं उतनी कोर्सेज पर इंच मैंने बी के अंदर रखी हैं। अगर ये मेरी पांच छह चीजें कॉन्स्टेंट है और सिर्फ स्टिच लेंथ वेरी कर रही है तो हाँ फैब्रिक बी जो है वो लाइट वेट होगा, वो उसके अंदर जो है वो ज्यादा ओपन होगा, वो एरी होगा, और फैब्रिक ए जो है वो डेंसर होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, वो थिकर होगा। अगर ये पांच चीजें अगर ये पांच चीजें भी वेरी कर रही हैं तो फिर हम नहीं कह सकते कि हाँ ए को डेंसर होगा और बी जो है वो लाइट वेट होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्टिच डेंसिटी। ये पर इंच निकालते हैं, ये बड़ा सिंपल है। जब आपने वो पहले पीछे कैलकुलेशन कर ली ना कि कोर्सेज पर इंच कितनी है और वेल्स पर इंच कितनी है, फॉर एग्जांपल इस को अगर हम इंच बाय इंच कह लें तो कितनी कोर्सेज हैं इसके अंदर, काउंट करके बताएं जरा। सर कौन सी स्क्रीन के अंदर जो अभी है, टेक्निकल फेस और टेक्निकल बैक वाले में? नहीं, कोर्सेज और वेल्स वाली स्क्रीन के ऊपर। फोर कोर्सेज? हाँ जी, फोर कोर्सेज हैं और वेल्स कितनी? फोर कोर्सेज और फोर वेल्स और फोर वेल्स हैं। तो अब हमने निकालना क्या था, स्टिच डेंसिटी। फोर मल्टीप्लाई बाय फोर इज इक्वल टू 16, तो डेट इज द स्टिच डेंसिटी। इसका मतलब होगा कि 1 inch पर स्केयर में एरिया के अंदर मेरे पास 16 लूप्स हैं, 16 स्टिच हैं। लूप को स्टिच भी कहते हैं। अगर मैं इसको वैसे काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, ये 16 ही बनते हैं। सो इसका आसान हल होता है कि नंबर ऑफ कोर्सेज पर इंच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेल्स पर इंच, तो स्टिच डेंसिटी निकल आती है, ठीक है। अगर कोर्सेज 5 होती और वेल्स 4 होती तो 5 4 20, तो ये 20 हो जानी थी, यहाँ से स्टिच डेंसिटी निकल आती है, ठीक है। तो ये स्टिच डेंसिटी, ये स्टिच डेंसिटी इज द नंबर ऑफ लूप्स इन अ गिवन एरिया और प्रोडक्ट होता है कोर्सेज एंड वेल्स का, कोर्सेज कितनी है और वेल्स कितनी है पर यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो ये है कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रही है स्क्रीन वाइट की? नो सर। यस सर। जी सर। जी सर। इसको सॉल्व करें, मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि इसके अंदर पर इंच के अंदर कितनी कोर्सेज हैं, कितनी बेल्स हैं और इसकी स्टिच डेंसिटी कितनी होगी। सर अब स्क्रीन शो हो रही। सर एट कोर्सेज और सिक्स वेल्स है। नहीं नहीं, बच्चों को जरा ध्यान से देखें, ध्यान से, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। 16 है, फॉर इट मैम 8 वेल्स है।
फोर व्हील्स हैं, फोर कोर्सेज हैं और 16 डेंसिटी है इसकी कोर्स पर इंच में जो है ना वो 12 उसमें वो कोर्सेज है और फोर व्हील्स हैं। नहीं गलत नहीं सर, 16 सर सिक्स कोर्स है इसमें 12 एट व्हील्स है सर। इसको नहीं नजर आ रहा तो मैंने चैट के अंदर भी पिक्चर सेंड कर दिया। साइज में 3 कोर्स हैं और 4 व्हील्स हैं, 3 कोर्स और 4 व्हील्स हैं। तीन कोर्सेज हैं और चार किसने बताया? दो मिनट ले लें तसल्ली से देखें और फिर इसको मुझे बताइएगा। सर वही ना यूनिट देखें सारे ये क्या लिखा है। देखो दो चार व्हील्स जी सर। सर फोर थ्री कोर्सेज हैं। तीन कोर्सेज हैं और फोर व्हील्स है ना पर इंच तीन कोर्सेज फोर व्हील्स हैं यही है ये 2 इंच है ना तो एक तरह का 12 इसके जो है डेंसिटी है डेंसिटी कितनी आ गई 12 2 सिस्टम आई फोन है उसे ऑफ कर प्लीज। जी आप पूछूं किसी से कि साल हुआ कि नहीं, अगर किसी को इसकी समझ नहीं लगी तो 1293 है इधर जी सर 1293 समझ लगी इस बात की कितनी वेल्स और कितनी कोर्सेज? सर वो ये तो समझ आ गई कि वो 3 और 4 है इस तरह ही समझ आ रही क्योंकि पर इंच पूछ रहे ना और इसमें 2 इंच है टू इंचेस को हम बचे हम 1 इंच के अंदर काउंट कर लेंगे ना। 2 इंच के अंदर कितनी है? 8 है व्हील्स तो डिवाइडेड बाय 2 तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4 ही होता है ना और 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है ठीक है तो ये हमारे पास सर इसको हाफ कर लें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा ये 2 इंच दिया हुआ है ना नीचे यूनिट 2 इंच इसको हाफ क्यों करना है मतलब अगर 2 इंच है तो 1 में लेके जाना है डिवाइडेड बाय 2 तो 4 वो आप वो नहीं समझ आए किस तरह कह रहे हैं। बच्चे मैं 2 के अंदर टोटल काउंट कर लूंगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 1 इंच के अंदर निकल आएंगी ऐसे नहीं आता जी सर। आप 1 इंच के अंदर काउंट कर रहे हैं 1 इंच के अंदर कैसे मेजर करेंगे? आपको क्या पता है कि 1 इंच इसके ऊपर स्केल के ऊपर कहां फिनिश हो रहा है? स्केल के ऊपर तो 1 इंच का मार्क ही नहीं लगा हुआ ऐसे ही है ना। आप कर लेंगे हाफ करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ना बच्चे। और सर हर उस पे चेक करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे मतलब अगर 3 इंच ये तो बच्चे तो... मैंने क्विज दिया हुआ था ना जो आपसे पूछ लिया ना ये तो क्विज का क्वेश्चन था। फैब्रिक में से आप निकालेंगे तो आप 1 इंच पे 1 इंच सर सपोज अगर वहां पे 2 की जगह 5 इंच हो या कितना भी इंच हो तो उसको भी हम लोग हाफ करने के लिए 2 के साथ ऐड करेंगे। नहीं 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 बच्चे नहीं ये सिंपल रूल है यूनिटी का कि एक यूनिट 1 इंच के अंदर अगर मेरे पास 4 व्हील्स आ रही हैं तो 10 के अंदर कितनी आएंगी 4 × 10 ठीक है 12 के अंदर कितनी आएंगी 4 × 12 5 के अंदर कितनी आएंगी 4 × 5 और अगर मैंने इसी तरह वापस आना है कि 5 के अंदर इतनी है तो 1 के अंदर कितनी होंगी तो डिवाइडेड बाय दैट नंबर ठीक है। वो 9th-10th के में होता था कि एक आदमी इतनी चीजें खरीदता है वो सिंपल सा वो एग्स वाला क्वेश्चन होता था कि इतने रुपए में इतने अंडे आते हैं तो एक अंडा कितने का हुआ ये वही वाली बात है ठीक है सर। वो ऑनलाइन क्लास में इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें हर चीज समझ ये रूल ऑफ यूनिटी कहते हैं मैथ में से ठीक हो गया। अब आगे चलें
कोर्सेज और वेयर्स की अगर किसी को नहीं समझ लगी वो मैंने था तो मैं 5-6 लोगों से पूछ लूंगा, लेकिन अभी टाइम हमारा खत्म होता जा रहा है, ठीक है? तो अगर किसी को नहीं समझ लगी तो वो काइंडली मुझे बता दें, जब हम आगे चलने लगे, ठीक है? ये थी कुछ टेक्निकल बातें अभी तक। इसके आगे जनरल इंफॉर्मेशन है, वो ये कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ यार्न विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक फॉर्मेशन, क्लासिफाई करते हैं हम निटेड फैब्रिक्स को दो हिस्सों में, एक को हम कहते हैं वाट निटेड फैब्रिक्स, एक को हम कहते हैं वेफ निटेड फैब्रिक्स। और मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ वेफ निटेड फैब्रिक्स पढ़ने हैं, वेफ निटेड फैब्रिक्स के अंदर ओपन लूप्स बनती हैं, वाट निटेड फैब्रिक्स के अंदर क्लोज लूप बनती हैं, ठीक है? और जो वाट निटेड होती है वो थोड़ी सी मुश्किल है उसके डिजाइन और उसके कंसेप्ट, तो हम सिर्फ वेफ निटिंग को पढ़ेंगे। फैब्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वेफ निटिंग की आगे टाइप्स होती हैं जिसे हम सिंगल जर्सी और डबल जर्सी फैब्रिक्स कहते हैं, और सिंगल जर्सी की कोई फर्दर टाइप नहीं है इसके अंदर, लेकिन डबल जर्सी के अंदर तीन होती हैं जिसे हम रिब, इंटरलॉक और पर्ल फैब्रिक कहते हैं। जो वाट निटेड फैब्रिक्स होते हैं उसमें अंदर ट्रिको, रैशल, मेलानी, सिंप्लेक्स, क्रोशे, वेफ्ट इंसर्शन वार्प, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास वाट निटेड की फैब्रिक्स हैं जिनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सो हमने जो एक्चुअली हमारा कोर्स है वो सिर्फ यहाँ है, ये हमने पढ़ना है, ठीक है? ये नीचे वाला हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट चलें तो वेफ निटिंग के अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि यार्न जो है वो विड्थ ऑफ द फैब्रिक के अंदर रन करता है, ठीक है? ये एक एक कोर्स बनती है ऐसे कोर्स, पहले ये बनेगी ब्लैक वाली, जब ये बन जाएगी तो फिर सेकंड कोर्स आएगी ये व्हाइट वाली, वो इसके अंदर से इंटरलूप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो यार्न जो है वो विड्थ ऑफ द फैब्रिक के अंदर रन कर रहा होता है, लेकिन फैब्रिक जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर बन रहा होता है, ठीक है? एक के बाद एक कोर्स आती जाती है और फैब्रिक ऊपर से ऊपर बनता जाता है। ये जो नीचे वाली कोर्सेज होती है इनको हम क्लॉथ रोलर के ऊपर जो है वो वाइंड कर लेते हैं, क्लॉथ रोलर के ऊपर लपेट लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे लूम के ऊपर एक एक पिक आती जाती थी, तो जो फैब्रिक बनता जाता था उसको क्लॉथ रोलर के ऊपर हम वाइंड करते जाते थे। तो वेफ निटिंग के अंदर जो यार्न है वो विड्थ में रन करता है और फैब्रिक जो है वो वर्टिकली बनता जाता है, ठीक है? सेकंड जो है वो वाट निटिंग होती है। मैं इसके ऊपर आता हूँ दोबारा इन स्लाइड्स के ऊपर। वाट निटिंग के अंदर हमारे पास जो है एक तो उसके अंदर लूप्स, क्लोज लूप्स बनती हैं, उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है? इसके अंदर फैब्रिक फॉर्मेशन भी वर्टिकल होती है और इसके अंदर जो यार्न रन करता है फैब्रिक के अंदर वो भी वर्टिकली रन करता है, ठीक है? यार्न की जो डायरेक्शन है वो यूं, ये ब्लैक वाले यार्न का पाथ अगर आप फॉलो करें तो ये ऐसे जा रहा होता है, ठीक है? और सेकेंडली इसके अंदर एक धागा जो है वो दो अल्टरनेट वेयर्स के अंदर जो है वो रन करता है। ये डिटेल्स को आप छोड़ दें, इसको बस कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना, लेकिन ये आइडेंटिफाई ये याद रखिएगा कि इसके अंदर लूप जो है वो यहाँ पे क्लोज होती हैं, उनकी लेग्स क्रॉस होती हैं। जो हमारे पास वेफ निटिंग होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर ये नीचे से पाँव इनके जो है वो ओपन होते हैं लूप के, ठीक है? इसके अंदर कोई मसला? नो सर। ये मशीन है हमारे पास वेफ निटिंग की, ये सर सर्कुलर मशीन भी होती है और ये फ्लैट। सर बहुत नहीं आज के लिए, सर इतना बहुत है आज के लिए। जी 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 तला खत्म कर रहा हूं, और कोई होगा? ठीक है, बस ये दो चार स्लाइड्स रह गई हैं, ये जर्नल से इंफॉर्मेशन है। ये सर्कुलर भी होती हैं वेफ निटिंग की मशीन्स बचे, और ये फ्लैट भी होती हैं, हमारी लैब के अंदर दोनों अवेलेबल हैं, और ये जब आप आएंगे तो लैब में देखेंगे फिर इसको। फ्लैट के ऊपर हमारे पास क्या बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, सॉक्स बनती हैं आपकी, और फुली फैशन मशीन होती हैं। इसका मतलब ये होता है फुली फैशन का, ऐसे गारमेंट निट होके इसमें से बाहर आते हैं जिनको बाद में स्टिच नहीं करना पड़ता, ठीक है? फुली फैशन गारमेंट्स का मतलब ये है कि जिस तरह की बॉडी की शेप होती है वैसा ही निट करके उसकी स्लीव, हर चीज जब निट होके यहाँ से इस जगह से फैब्रिक बाहर आएगा तो वो रेडी टू वेयर होगा, मशीन से उतरेगा और आप उसे पहन सकते हैं, ठीक है? जो सर्कुलर निटिंग मशीन्स होती हैं इसके ऊपर सॉक्स बनती हैं, सिंगल डबल जर्सी की मशीन्स होती हैं ये, और इसके अंदर बल्क के अंदर फैब्रिक बनता है जैसे लूम्स के ऊपर फैब्रिक बनता है, ठीक है? ज्यादा तादाद में ज्यादा क्वांटिटी में फैब्रिक बनाना हो तो वो सर्कुलर मशीन्स यूज होती हैं, और अगर हमने डायरेक्ट गारमेंट्स बनाने हो तो फिर हमारे पास फ्लैट निटिंग की मशीन्स यूज होती हैं, और इसी तरह जो ग्लव्स हैं वो भी हमारे पास फ्लैट के ऊपर बनते हैं। सॉक्स के लिए सर्कुलर मशीन ही होती है, लेकिन उसका डाया छोटा
कम हो जाता है। इसी तरह ग्लव्स की जो मशीन है वो भी थोड़ी छोटी होती है क्योंकि उसमें सिर्फ ग्लव्स ही बनाने होते हैं, ठीक है। और वार्प निटिंग मशीन क्या होती है, ये इस तरह की नजर आती है जैसी आपकी स्लाइड पे नजर आ रही है, और इसके अंदर जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी लोम की तरह है, लॉन्गर विड्थ के अंदर जो है वो फैब्रिक इसके ऊपर बनता है, और जैसे उसके साथ बीम लगता था यहाँ पे भी बीम लगता है, ठीक है। ये बीम्स जो है ये ऊपर पड़े हैं, ये फैब्रिक के बीम्स हैं, धागे के, सॉरी, यान इनके ऊपर वाइंड किया हुआ हमने, जैसे आप लूम के बैक साइड के ऊपर यान वाइंड कर लेते थे और फिर उसे लूम में से पास करते थे तो वो फैब्रिक बन जाता था। ये लास्ट स्लाइड है, ये दोनों का फ्लो प्रोसेस है। वेफ निटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, यान या कोन आती है और डायरेक्ट मशीन के ऊपर आती है और हम उसे फैब्रिक निट कर लेते हैं, ठीक है। दरमियान में कोई प्रोसेस नहीं है इसके, स्पिनिंग से धागा आना है, मशीन के ऊपर जाना है और फैब्रिक बन जाना है, ठीक है। और वार्प निटिंग के अंदर हमें उससे पहले जो धागा आता है उसको बीम की फॉर्मेशन करनी पड़ती है या वार्पिंग करनी पड़ती है और फिर मशीन के ऊपर लेके जाते हैं, और वो जो वार्पिंग है ये इस तरह का एक बीम होता है इसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल धागे हैं। अब मुझे ये बताएं, लेक्चर हमारा खत्म हो गया, ये अल्लाह भला करे आप लोगों का, जब हम वीविंग करते हैं तो तब हमारे पास प्रिपरेटरी प्रोसेस क्या होते हैं, और निटिंग करते हैं तो तब कौन से प्रिपरेटरी प्रोसेस हैं जो इसमें नहीं है? सर वाइंडिंग वगैरह का, वार्पिंग वगैरह जो करते हैं वो तो नहीं है, और वार्पिंग करते हैं, और साइजिंग भी इसमें है सर, साइजिंग है, निटिंग में साइजिंग करेंगे नहीं करेंगे बच्चा, ठीक है। सो इसके अंदर किसी किस्म का प्रिपरेटरी प्रोसेस नहीं है। अब सवाल आपका इस वीक का ये है कि अगर हम वोवन फैब्रिक बनाएं और हम निटेड फैब्रिक बनाएं, मशीन चल रही है कंटीन्यूअसली, तो कौन से प्रोसेस से हमें ज्यादा मीटर्स ऑफ फैब्रिक, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक हमें मिलेगी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि दोनों प्रोसेसेस के पास, निटिंग के पास भी और वीविंग के पास भी, ठीक है, हमने फैब्रिक बना, धागा आ गया स्पिनिंग से बन के, यहाँ से आगे स्टार्ट करना है। अब दोनों के पास 24 आवर्स हैं, तो आपका क्वेश्चन ये है कि 24 आवर्स के बाद इन मीटर्स निटेड फैब्रिक हमारे पास ज्यादा होगा या वोवन फैब्रिक ज्यादा होगा, ठीक है। ये सोचना है आप लोगों ने और इसकी रीजंस भी देनी है, और ये आप लोगों ने नेक्स्ट जो है क्लास उसके अंदर, जैसे आपने इस वीक के लिए किया था, ये इंट्रोडक्शन टू निटिंग के अंदर ही आपने इसको जो है वो निटिंग एलिमेंट्स, मैंने इससे अगला चैनल क्रिएट कर दिया था लेकिन हम वहां तक पहुंचे नहीं है, तो यहाँ पे आपने इसको जो है वो आंसर करना है, ठीक हो गया सर? क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। मैं क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दूंगा, क्वेश्चन जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा इन डिटेल्स में। और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ये था कि 24 आवर्स हैं निटेड के पास भी और वीविंग के पास भी, यान आ गया स्पिनिंग से, तो इन 24 आवर्स के बाद हमारे पास इन मीटर्स वोवन फैब्रिक ज्यादा बना हुआ होगा या फिर निटेड फैब्रिक ज्यादा बना हुआ होगा, ठीक है। और आपने रीजन बतानी है वजह क्या है, क्या अगर वो वोवन ज्यादा होगा तो वो क्यों होगा और अगर निटिंग फैब्रिक ज्यादा होगा तो वो क्यों होगा, ठीक है सर? प्रिपरेटरी प्रोसेस कोई भी होगा, डजंट मैटर। हाँ आंसर आपने वहां देना है विद रीजंस, जैसे आपने जो लास्ट वीक की असाइनमेंट थी उसका आंसर किया, तो इसी तरह इसको भी आपने ऐसे ही आंसर करना, ठीक है। और ये जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, ये इसी तरह के समझ लें जैसे क्लास में आंसर्स करने के, आंसर्स के रिप्लाई करने के या क्लास में पार्टिसिपेट करने के मार्क्स हैं। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से मैं कलेक्ट कर लूंगा कि किस किस ने रिप्लाई किया एंड बाकी लोग जो है वो उनके लिए ये जीरो होगा, ठीक है। वन लास्ट थिंग, इसको नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, चलें ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। ओके सर, वन सेकंड, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।